वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आज बैंकिंग की रीजनिंग के बारे में एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे भी अच्छे क्वेश्चन से एंड करते चलेंगे। आइए देखते हैं, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीजनिंग में फुल मार्क्स पाने के लिए सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको गिवन है, आपको हिंदी में करवाएंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश के अकॉर्डिंग रीड कर लेना और इसको समझ चलना। सबसे पहले आपको बता दें, जब आपका फेस ऊपर की ओर हो या उत्तर की ओर हो तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा, यानी ये हुआ दायां और ये हुआ बायां। ठीक है, अगर आपका फेस हुआ नीचे यानी दक्षिण की ओर या साउथ की ओर, ठीक है, तो आपका जो राइट है वो इधर आएगा यानी दायां, जो लेफ्ट है वो इधर बायां। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं, छह व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा टी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर फेस करके यानी नीचे की ओर फेस करके बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हैं। ई के दाएं तीसरे स्थान पर यानी दक्षिण की ओर नीचे है, तो ई के दाएं नीचे फेस है तो दायां किस साइड होगा? इस साइड, तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा और तीसरा, ये फिक्स हुआ। उसके बाद वगैरह है सी पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर, छोर से चौथे स्थान पर है। अगर मैं सी यहाँ से लेके चलूँ, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, बी जो ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में है, ठीक है, टी के दाएं तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, बी यहाँ पे एक शब्द आया है जो, जो हो या इंग्लिश में हो हु, तो ये सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, ये सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आता है। इंग्लिश में ये देखो हु गिवन है, तो ये सेकंड पर्सन, सेकंड कौन है? टी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेट करते हैं, छह व्यक्ति हैं और लाइन में छह सेट बिठा रखे हैं। अब अरेंजमेंट कैसे करना है, अब देखते हैं। टी को अगर यहाँ बिठाते हैं तो बी यहाँ आएगा, ठीक है, अगर ई को यहाँ रखते हैं तो एक दो ए यहाँ आएगा, ठीक है, ये तो बनता नहीं क्योंकि डी बचा लास्ट में आएगा। बी को ए और डी के बीच में लेके आना है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, अब टी को यहाँ बिठाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, टी को यहाँ बिठाते हैं, टी दो छोड़ के बी यहाँ पे आएगा, अगर ई को यहाँ बिठाते हैं, ई यहीं बैठाना पड़ेगा,
ई और दो छोड़ के ए यहाँ आ गया। अब बचा ये डी, डी यहाँ पे आ गया, यानी तो ये कंडीशन कंप्लीट होगी। डी और ए के बीच में बी है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा ऐसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सात व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हैं, यानी उत्तर की ओर है ऊपर, तो W के बाएं चौथे स्थान पर आ रहा है। W के बाएं चौथे स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आर है, और W के ठीक दाएं एस है। सात व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैठ गए। या तो एक व्यक्ति एस के साथ बैठेगा या फिर आर के साथ बैठेगा, वो आगे देखते हैं। टी के बाएं दूसरे स्थान पर, टी के बाएं दूसरे स्थान पर वी है, यानी जो फिक्स है उसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। यू और वी साथ में हैं, ओ सॉरी, यू और आर दोनों साथ में बैठेंगे, ठीक है। अब एक और बना लेते हैं, 1, 2, 3, W और S, या R और U के साथ में है, या तो U और R ऐसे हो गए, ठीक है, या फिर कलर चेंज कर लेते हैं, या फिर U यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लियर। और V और T में एक खाली होना चाहिए, ऊपर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 3, और ऊपर 6 व्यक्ति हैं, नीचे 7 व्यक्ति हैं। ऊपर अगर रखते हैं तो टी और वी, इसको ऐसे ही सेट करना है, ऊपर तो आ नहीं सकता। अगर टी को यहाँ बढ़ाते हैं तो वी यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे यू है। अगर टी को यहाँ बिठाते हैं तो आर को यहाँ नहीं, आर यहाँ है, तो ये हुआ गलत। नीचे देखते हैं, अगर मैं टी को यहाँ रखूँ और वी यहाँ आए, तो बन गया ये यू, और 7 व्यक्ति हैं इस पंक्ति में, बचा कौन, वी, यू, वी है। क्यों बचा, ठीक है, क्यों बच गया, ये अपना ऐसे बनेगा, ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, अच्छा चलते हैं आगे। 8 व्यक्ति हैं, सभी सीधी पंक्ति में हैं और उत्तर की ओर है यानी ऊपर की ओर फेस करके बैठे हैं, आवश्यक नहीं इसी प्रकार में हैं। पी के दाएं दूसरे स्थान पर ओ है, पी के दाएं, ठीक है, पी के दाएं ऊपर है उत्तर की ओर, तो पी का दायां इधर पहला और दूसरा, ये फिक्स हुआ, ठीक है। क्या ऊ के दाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। पहला दूसरा तीसरा ई बैठा है, ठीक है, और पी के बाएं चौथे स्थान पर एफ है, पी के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर एफ है, और पी के इधर ये वाली कंडीशन, ठीक है, हो गया। 8 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बैठ के 8 बिठाने हैं, या तो एफ के साथ बैठेगा या फिर ओ के साथ बैठेगा। ई पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं, यानी यहाँ पे एक और साथ में ई के है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ना तो एफ,
तो एफ और न ही पी का पड़ोसी है, कौन? डी। इन दोनों के साथ में डी नहीं है, ठीक है। और सी और पी पड़ोसी नहीं है, इन दोनों साथ में नहीं है, ठीक है। अब अपने बिठाते हैं, क्यों के लिए, ठीक है। अगर क्यों को मैं यहाँ बिठाता हूँ, एक बार बिठाना है ना, अगर क्यों को यहाँ बिठाता हूँ तो तीन, 1 2 3, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ई यहाँ पे आ जाएगा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बना लेते हैं अपने, ठीक है। अगर मैं क्यों को यहाँ बिठाऊँ, 1 2 3, तीसरे स्थान पर है, यानी तीसरे, यानी इसके बीच में दो ही है, इरेज कर लेते हैं इसको, दो ही है, ठीक है। दो ही है इसके बीच में, यानी अगर मैं क्याऊ को यहाँ बैठाता हूँ तो वो यहाँ नहीं आता, अगर क्याऊ को मैं यहाँ बैठाऊँ तो 1 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एफ 1 2 3 पी ये, ठीक है। अगर मैं क्याऊ को यहाँ बैठाता हूँ तो 1 1 2 1 2 यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। अगर मैं क्याऊ को यहाँ बैठाऊँ, 1 2 यहाँ आ सकता है और यहाँ पे एक बार, बट ये तो 2 आ गए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नो हो गए, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डी पी और एफ के साथ नहीं है, एफ और पी के साथ डी नहीं है, तो डी यहाँ बिठा दे। पी और सी साथ में नहीं है तो सी को यहाँ बिठा दे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंडीशन अपनी कंप्लीट होती है। अब बचा कौन, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ एन रह गया, एन बीच में यहाँ आ जाएगा। अब कंडीशन को, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं, कहीं कोई चीज़ रह ना गई हो। पी के दाएं सभी का मुख ऊपर की ओर है, तो पी के दाएं, पी के दाएं दूसरे स्थान पर ओ है, पहला दूसरा सही है। क्याऊ के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा, तीसरे स्थान पर ई है। पी के बाएं चौथे स्थान पर एफ है, 1 2 3 चौथे स्थान पर है। वो कह रहे ई किसी भी छोर पर नहीं है, ठीक है। डी एफ और पी का पड़ोसी नहीं है, सी पी साथ में नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट, ऐसे सेट करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हैं। वो कह रहा है कि उत्तर की ओर यानी ऊपर, ठीक है। डब्ल्यू के बाएं चौथे स्थान पर टी है, डब्ल्यू के बाएं यानी द चौथे स्थान पर एक 2 3 चौथे स्थान पर टी है, चौथे स्थान पर टी है। टी और डब्ल्यू किसी भी छोर पर नहीं है, ठीक है। 3 5 2 7 हो गए और 2 रह गए, ठीक है। एक्स आर के बीच एक है, ठीक है। एक्स आर के बीच में, एक्स आर के बीच में एक है, ठीक है। एक्स एक्स नहीं आर डब्ल्यू का पड़ोसी है, यानी ये दोनों डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है,
ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर पी है, एक्स के दाएं पहले पी है, पहले और दूसरे, ठीक है। ये कंडीशन सारी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। पी एस के बीच में दो है, पी और एस के बीच में दो है, ठीक है। एस पी के दोनों के पड़ोसी क्यू नहीं है, ठीक है। वी एक्स पड़ोसी नहीं है, वी और एक्स पड़ोसी नहीं है। आर छोर पर नहीं है, यानी आर के आगे पीछे दोनों कोई ना कोई है, ठीक है। अब अपने सेट करते हैं इसको। सबसे पहले अपने पी को ले, पी एक्स एक्स टी, यानी डब्ल्यू यानी आर एक्स, आर ओ एक्स डब्ल्यू के नहीं है। तो अगर मैं पी को यहाँ बैठा, नहीं, अगर मैं पी को यहाँ बैठाऊँ, अगर एक्स को यहाँ बैठाऊँ और आर को यहाँ बैठाऊँ, चलेगा? ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आर कॉर्नर पर नहीं है, कंप्लीट हुआ। एस पी में दो है, एस पी में दो है, एस यहाँ आएगा, ठीक है। पी और एस का पड़ोसी क्यू नहीं है, तो बचा कौन? क्यू यहाँ आएगा, ये स्थान खाली है। 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट हो गई, ठीक है। और नीचे नीचे रखा है कि वी एक्स साथ में नहीं आएंगे, वी एक्स साथ में नहीं आएगा, यानी वी यहाँ पे नहीं है, आएगा वी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब बचा कौन? पी आ गया, क्यू आर एस टी यू रह गया, अब यहाँ पे यू आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन आपको ऐसे कंप्लीट करना है, ये सारा क्वेश्चन ऐसे होगा। क्लियर? कंडीशन दोबारा से चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू के बाएं चौथे स्थान पर टी है, 1 2 3 4 सही है। टी और डब्ल्यू कोने पर नहीं है, एक्स आर के बीच एक है, एक्स आर के बीच एक है, एक्स आर का पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू, एक्स और आर का पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू, ठीक है। एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर पी है, सही है। एस पी में दो व्यक्ति है, एस और पी में दो व्यक्ति है, ठीक है। एस या पी का निकटतम पड़ोसी क्यों नहीं है, एस और पी पड़ोसी क्यों नहीं है। वी एक्स साथ में नहीं होंगे, ठीक है। आर किसी छोर पर नहीं है, बिल्कुल सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, आगे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छी टेक्निक है उसकी। ये इंग्लिश में आपको गिवन है, दे रखा है, इसका आगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक ही स्क्रीन पर आ नहीं सकते, स्पेस काफ़ी कम रह जाता है, इसीलिए। तो ये इंग्लिश में है, इसका आगे हिंदी में दे रखा है, आपको हिंदी में कराते हैं। जो इंग्लिश वाले है वो स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, ये हिंदी में, इसका इंग्लिश में इससे पहले आपको दिखाया हुआ है। अब चलते हैं। 10 व्यक्ति दो पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पांच पांच व्यक्ति हैं, तथा अगल बगल में बैठे हैं, इसके बीच में समान दूरी है, ठीक है। पंक्ति फर्स्ट पी क्या वो आर एस टी सभी का मुख उत्तर की ओर है, सभी का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है। सभी का मुख
उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर यानी ऊपर। फर्स्ट तो ठीक है, देखो मैंने पी क्यू आर एस और टी है, ठीक है, सभी का मुख ऊपर की ओर है। दूसरी पंक्ति जेड एक्स वी सी वी एम बैठे हैं, सभी का मुख दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर है। ये सेकंड है, ये जेड एक्स सी वी और एम सभी का मुख दक्षिण की ओर है, परंतु आवश्यक नहीं, इसी क्रम में है। अतः दी गई व्यवस्था के अनुसार एक पंक्ति का सदस्य दूसरी पंक्ति के किसी सदस्य के ठीक सामने बैठा है। सामने मतलब आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, पांच पांच करके, एक दो ये तीन चार और ये पांच आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, ये दक्षिण की ओर है, ये उत्तर की ओर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि जिस व्यक्ति का मुख एस की ओर है वह जेड के दाएं तीसरे स्थान पर है। एस एस कहाँ पे है, एस नीचे है फर्स्ट पंक्ति में, ठीक है। तो वो कह रहा है देखिए ये चीज़ बनाते, कोई भी अगर पजल बनाते हो लाइन वाले ऐसे सीटिंग वाले, तो आपको कॉर्नर वाला छोड़ के उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है, कोने वाली सीट छोड़ देनी है उसके बाद, ठीक है, ये टेक्निक याद रखना हर क्वेश्चन की। तो अपने एस नीचे है तो एस को यहाँ रखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, एस को यहाँ रखते हैं। वो कह रहा है कि जेड जिस व्यक्ति का मुख एस की ओर है, किसका, इसका, ठीक है, वह जेड के दाएं तीसरे स्थान पर है। जेड ऊपर है तो उसका फेस नीचे होगा, ठीक है, तो दायां यहाँ पे बिठा दें तभी बनेगा पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, दायां तभी इस साइड बनेगा क्योंकि उसका फेस नीचे है, ठीक है, तीसरा स्थान पर पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे बैठेगा जो भी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एस पी के बीच केवल एक व्यक्ति है, एस पी के बीच एक व्यक्ति है क्योंकि उधर तो बैठ नहीं सकता, सीट ही नहीं है। एक्स जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है और पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर एक्स नहीं है, यानी एक्स जो है जेड के साथ भी नहीं है और पंक्ति के छोर पर भी नहीं है। अपने एक और बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, इसको वैसे ही सेट कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कलर चेंज कर लें, अगर वो कह रहा है कि जेड के साथ एक्स नहीं है और कॉर्नर पर नहीं है, यानी बची कौन सी, दो जगह बची, या तो एक्स यहाँ बैठेगा या एक्स यहाँ बैठेगा, ठीक है, हो गया कंप्लीट। आगे कह रहा है कि जिस व्यक्ति का मुख सी की ओर है, सी कहाँ पे, सेकंड पंक्ति में यानी ऊपर बैठा है, उसका फेस नीचे होगा, ठीक है, जिस व्यक्ति का फेस सी की ओर है वह क्याउ के ठीक दाएं बैठा है, समझ गए, यानी सी ऊपर बैठा है, ठीक है, सी की ओर मुख करने वाला व्यक्ति यानी ये व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति क्याउ के ठीक दाएं है, क्याउ नीचे है तो क्याउ यहाँ बैठेगा, ये क्याउ के ठीक दाएं हो गया, ठीक है, ये चीज़ सेट करनी है अपने को। आगे लाइन एक और कह रहा है सी एक्स के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी साथ में नहीं बैठा एक्स सी के, तो आप देखते हैं कहाँ कहाँ सेट हो सकता है। सी को पहले ऊपर बिठा दें, सी एक्स, अगर मैं सी को यहाँ बिठाता हूँ और नीचे ये और क्या यहाँ आ जाएगा, बट उसने क्या कहा है, सी
और एक्स साथ में नहीं बैठेंगे। ठीक है, अगर सी को यहाँ बिठा दूँ तो क्या वो यहाँ आ सकता है? पर सी और एक्स साथ में नहीं बैठेंगे, अन्यथा ये गलत है। यहाँ देखते हैं, सी को बिठाने के लिए सिर्फ एक की जगह बची है, ये रही। सी के सामने और क्यू के दाएं, ये चीज़ बचा। हो गया कंप्लीट, सी एक्स साथ में नहीं है, ये भी कंप्लीट हो गया। वी का मुख टी की ओर है, वी कहाँ है? ऊपर, टी कहाँ है? नीचे। देखो अब ए की जगह, हाँ कोने पे जगह एक ही बची है। वी का मुख टी की ओर, यानी वी और टी आमने सामने बैठे हैं, वी ऊपर है तो यहाँ बैठेगा, टी नीचे, यहाँ ये एक ही जगह खाली है और कोई खाली नहीं आमने सामने वाली। क्लियर हो गया ये। अब बचा ऊपर कौन? डेड वी एम बचा, ऊपर एम को रख देते हैं, और नीचे कौन बचा? एस टी आर बचा, नीचे आर नीचे रख देते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ अपना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लास्ट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखें। ये इंग्लिश में आपको दे रखा है, इसी का हिंदी वर्जन आके है। आइए हिंदी में करते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख लेंगे। सात व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर और जी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है और कुछ व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, ओ पी के बीच केवल चार व्यक्ति हैं, न पी नहीं एम पंक्ति के अंतिम छोर पर है। चार व्यक्ति, एक दो तीन चार, पी ये रहा, पी अंतिम छोर पर नहीं है। कंप्लीट हो गया ये, समझ आया? ठीक है, स्टार्टिंग फिर से बता रहे हैं। पहली लाइन है, ओ तथा पी के बीच में चार व्यक्ति हैं, चार बिठा दिए। अगली लाइन है, पी और एम, न ही पी न ही एम पंक्ति के अंतिम छोर पर है, पी है अपने सामने, पी को एक साथ और बिठाना पड़ेगा ताकि वो अंतिम कॉर्नर पर ना हो। ठीक है, अब लाइन में एक दो तीन चार पाँच छः सात बिठा दिए, सातों के सात तो बिठा दिए। अब अरेंजमेंट करना है। ठीक है, पी के दाएं, पी सात व्यक्ति है पूरे, अपने को ये नहीं पता उत्तर की ओर कौन है और दक्षिण की ओर फेस करके कौन बैठा है। ठीक है, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे पता चलेगा। पी के दाएं दूसरे स्थान पर आर बैठा है। ठीक है, अगर मैं दायां बना दूं इसको यहाँ, और पी के दाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, यानी आर यहाँ आएगा, तो पंक्ति में कितने हो गए? आठ व्यक्ति हो गए, अपने को चाहिए कितने? सात। तो ये गलत है, तो इसका मतलब पी का फेस नीचे होगा। पी का फेस नीचे होगा, अगर फेस नीचे हो रहा है तो आर दूसरे स्थान यहाँ आ रहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्यों के ठीक दाएं, अपने को पता नहीं क्यों का दायां बायां कौन सा है, बट अपने अकॉर्डिंग अपने इसको ऊपर ही मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के आगे जैसे करेगा तो इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने इसको फेस नीचे करके इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा देंगे। ठीक है, तो एक बार अपने इसको मान लेते हैं कि इसका फेस ऊपर है। ठीक है, तो क्यों के ठीक दाएं जी है, क्यों के दाएं ठीक दाएं जी है। ठीक है, क्यों के ठीक दाएं जी है, क्यों के दाएं ठीक जाए जी
जी के निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत है, यानी कि जी के दोनों पड़ोसी जो है विपरीत होंगे, यानी दोनों का फेस एक साइड नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, एम के दाएं एक लाइन रहेगी, आर और क्यों एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी आर और क्यों दोनों निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम के दाएं, एम अपने ऊपर ही मान लेते हैं कि ऊपर फेस है, एम के दाएं दूसरे स्थान पर एन है, दूसरे स्थान पर एन है, ओ पी दोनों का फेस पी के समान है, ओ एन का जो फेस है वो पी के समान है, यानी पी अगर ऊपर होगा तो ओ एन का फेस भी ऊपर होगा, अगर पी का फेस नीचे है तो ओ एन का फेस भी नीचे होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी उत्तर की ओर है, जी का फेस उत्तर की ओर है, ये पता चल गया अपने को। आर के दोनों पड़ोसी सेम हैं, लिख लेते हैं अपने, आर के जो पड़ोसी हैं वो सेम एक ही दिशा में है। ठीक है, वो कौन है, यानी दोनों बराबर दिशा में है। ठीक है, अब अरेंजमेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सात बिठा दिए। ठीक है, अब अपने अरेंजमेंट करते हैं, पी आर। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, वह कि क्याऊ और जी दोनों साथ में बैठेंगे, ठीक है, पर ऊपर कह रहा है कि आर के साथ क्याऊ नहीं आना चाहिए, तो दो जगह खाली कौन सी बची, ये दोनों बची। ठीक है, आर के साथ क्याऊ नहीं आना चाहिए, यानी फिर क्याऊ बचेगा यहीं आएगा, और क्याऊ के साथ जी यहाँ आएगा। क्लियर, जी का फेस ऊपर है यानी उत्तर की ओर है, और एक लाइन दे रखी थी कि जी के दोनों पड़ोसी विपरीत है, अभी तक पता नहीं अपने को। ठीक है, और वो कह रहा है कि आर के दोनों पड़ोसी सेम होंगे, आर के पड़ोसी यानी ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि पी ये यहाँ पे आपको दे रखा है, पी का फेस अगर नीचे होगा तो एन और ओ का फेस भी नीचे होगा, पी का नीचे है तो ओ का भी नीचे होगा। ठीक है, एम और एन के बीच में एक है, ठीक है, बट एम एक लाइन कह रखी थी कि पी और एम पंक्ति में अंतिम छोर पर नहीं है, ये देखो ये लाइन दे रखी, पी और एम स्टार्टिंग बताया था ना, अंतिम छोर पर नहीं है, साथ तो बिठा दिए, एम ये अंतिम है, यहाँ पे एम आ नहीं सकता, ठीक है, बताया हुआ है, तो एम के लिए बचा ये। अब एम का फेस ऊपर है क्योंकि आर के दोनों पड़ोसी समान दिशा में हैं, अगर जी ऊपर है फेस करके बैठा है तो एम भी ऊपर की फेस करके बैठा होगा। ठीक है, अगर वो कह रहा है एम एक लाइन दे रखी थी कि एम के दाएं, ये रही लाइन, एम के दाएं दूसरे स्थान पर एन है, यानी एम के दाएं दूसरे पहला और दूसरे स्थान पर एन है, ये एन आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, पी नीचे है ओ और पी के बराबर ही फेस होगा एन का, अगर पी नीचे है तो एन भी नीचे होगा। ठीक है, अब इनका बच गया फेस
ठीक है। अब अपनी कंडीशन अपनी सारी होगी, अब चेक करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ओ पी के बीच में चार है, ओ पी के बीच में चार है, ठीक है, न ही पी न ही एम अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है, पी के दाएं दूसरे स्थान पर आर है, ठीक है, क्यों के ठीक दाएं, ये क्यों के ठीक दाएं लाइन दे रखी है अपने को, ठीक है, कौन सी लाइन, ये लाइन दे रखी है अपने को, क्या हो के, यानी क्या हो अगर ऊपर फेस होगा, क्या हो का फेस अगर ऊपर होगा तभी तो जी के इस साइड आएगा, राइट साइड, ठीक दाएं, ठीक है, तो एक लाइन दे रखी थी कि जी के दोनों पड़ोसी विपरीत होंगे, अगर क्या हो ऊपर है तो जी का दूसरा पड़ोसी नीचे होगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन अपना कंप्लीट, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सारे अच्छे अच्छे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया लेवल के हैं, और ये सारे बैंक के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आगे इसके पार्ट आते रहेंगे और देखते रहे। थैंक यू सो मच, ये था आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, आगे जैसे इसका पार्ट आएगा आपको अपलोड किया मिल जाएगा यूट्यूब पर, और इस वीडियो को आप देखते रहिए, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।